हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एग्जाम हट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने बच्चों पिछले लेक्चर के अंदर किया था, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक, वॉल्यूम, इन सब चीजों के बारे में देखा था, और मैंने बताया था कि अगले लेक्चर के अंदर हम ईसीजी के टॉपिक को करेंगे। तो देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों ईसीजी। हर एक बच्चे ने इस टर्म को सुना हुआ मिलेगा ईसीजी, की ईसीजी करवाया है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर यूजुअली ईसीजी करवा लेते हैं। ये ईसीजी क्या होता है, इस ईसीजी को डॉक्टर क्यों करवाते हैं, इस ईसीजी से डॉक्टर्स को क्या पता चलता है, उन सब चीजों के बारे में हम करेंगे आज के टॉपिक को डिटेल। ठीक है जी, देखिए जो ईसीजी है बच्चों, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या जी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहां से मिलता है अपने को? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ईसीजी ऑब्टेन कर। आई बात समझ में? वैसे ये इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो, इस चीज के बारे में फोकस करना ज्यादा जरूरी नहीं है। मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बीच में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उस प्रोसेस का नाम है जहां से अपने को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मिलता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, तो उसके अंदर जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, बायो की कोई भी टर्म हो बच्चों, उसको चितड़े 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 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। आई बात समझ में? देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को तोड़ दे, तोड़ देते हैं तीन वर्ड में, इलेक्ट्रो प्लस कार्डियो प्लस ग्राम, या फिर इस वर्ड को तोड़ लो, इलेक्ट्रो प्लस कार्डियो प्लस ग्राफ। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक कार्डियक ग्राफ। इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिकल, कार्डियक का मतलब हार्ट, और बेटा ग्राफ का मतलब क्या है, जो हमको ग्राफ ऑब्टेन। आपने ईसीजी करवाया होगा, आपने नहीं करवाया होगा बेटा, आपने किसी का देखा जरूर होगा, ईसीजी होते हुए भी देखा होगा और ईसीजी के ग्राफ को भी देखा होगा। देखो, जैसे मूवीज के अंदर भी चलता रहता है ना, उस मशीन के अंदर ऐसे 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 ऐसे, है ना, और जिस टाइम बंदा मर जाता है क्या होता है, ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है। इस टाइम पे लिविंग कंडीशन है, इस टाइम पे डेड कंडीशन है। आपने उस मशीन की साउंड भी सुनी होगी, वो साउंड क्या होती है बच्चों, जब ये ग्राफ ऐसा ऐसा चल रहा होता है तो साउंड कैसी चलती है, पिप पिप पिप। और जब पेशेंट मर जाता है, जब ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है, तो वो साउंड कैसी आती है, पिप पिप, मरते ही पी। इतनी गंदी नहीं आती जितनी गंदी साउंड मैंने निकाली है, लेकिन वो जो साउंड आती है वो कैसी आती है, बिल्कुल क्या आती है, प्लेन आती है, फिर पिप पिप पिप, ऐसे फ्लक्चुएशन से नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है, और ये ग्राफ अपने को क्या दिखाता है? तो सबसे बड़ी बात बच्चों, ये ग्राफ आपको देखने में ऐसा नजर इसलिए आता है क्योंकि ये काफी कंजेस्टेड ग्राफ होता है। देखो, अगर मैं एक कार्डियक साइकिल की बात करूं, सिर्फ दिल की एक धड़कन की बात करूं बच्चों, तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, सिर्फ एक दिल की धड़कन की बात कर रहा हूं, अब ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है बच्चों, ये एक कार्डियक साइकिल का है। एक कार्डियक साइकिल का मतलब, एक कार्डियक साइकिल में अपने को कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड, 1 सेकंड से भी 0.2 सेकंड कम। ये जो ग्राफ है वो 0.8 सेकंड का है। अब हम जब ईसीजी करवाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, वो 0.8 सेकंड का थोड़ी मॉनिटर करेगा डॉक्टर, वो क्या देखेगा, 1 मिनट का देखेगा, 30 सेकंड का देखेगा, 1 मिनट से ज्यादा देखेगा। कईयों की ईसीजी ग्राफ छोटे मंगवाते हैं, कईयों के बड़े मंगवाते हैं। अगर कोई बड़ी मान लो ऑब्जर्वेशन है, डॉक्टर को 1 मिनट को ऑब्जर्व करना है, 5 मिनट को ऑब्जर्व करना है, तो ईसीजी टेस्ट करवाते हैं। लेकिन बच्चों आपको यह भी पता होगा, जो पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन के अंदर होते हैं उनका कंटिन्यूअस मॉनिटर करते हैं ईसीजी। मतलब ऊपर आपने देखा होगा एक टीवी जैसी स्क्रीन लगी होती है, उसके ऊपर कंटिन्यूअस चलता रहता है, तो वो डॉक्टर की नीड के ऊपर बात है कि उसको कितना ऑब्जर्व करना है, उस पेशेंट को कितना ऑब्जर्व करना ज्यादा जरूरी है। उसको कंटिन्यूअस ईसीजी पर भी डाल सकते हैं और उसको मतलब 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए भी कंसीडर कर देते हैं। अब मान लो बच्चों अपने पास 30 सेकंड का ग्राफ बनना है, 30 सेकंड की ईसीजी है, तो वो कैसी बनेगी, बिल्कुल ऐसी नहीं बनेगी। देखो, जैसे ये है एक दिल की धड़कन, दो दिल की धड़कन, इस टाइप से क्या है, इस पूरे बोर्ड के ऊपर बच्चों, अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा खुला भी बनाता हूं तो भी सिर्फ 3 दिल की धड़कन आ ही है इतने में। मतलब 0.8 × 3, 2.4 सेकंड का ग्राफ। अगर अब 1 मिनट का बनाना है तो ये कितना कंजेस्टेड हो जाएगा ग्राफ, इसलिए आपको वो अपीयरेंस कैसी दिखती है, ऐसी 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 दिखती है।
आई बात समझ में। अब ईसीजी जब बता दिया कि अपने को हार्ट का सिग्नल चेक करना है, कैसे सिस्टोल डायस्टोल कितना हो रहा है, वो सब नंबर काउंट करने, तो हम ईसीजी करवा सकते हैं। लेकिन मेन बात ये है, ईसीजी का प्रोसीजर क्या होता है? तो बच्चों ईसीजी के अंदर तीन लीड लगाई जाती है। कितनी लीड लगाई जाती है? तीन। ध्यान रखना, तीन लीड का ही यूज करते हैं। दो लीड तो बेटा ईच रिस्ट पे, एक इधर और एक इधर, और जो एक लीड है बेटा वो पैर पे लगाई जाती है, एंकल पे लगाई जाती है। और एंकल भी बेटा आप ध्यान रखना, कौन से एंकल पे लगाई जाती है? लेफ्ट एंकल पे। मतलब ईसीजी के अंदर हमको तीन लीड यूज करनी है, जिसमें से दो ईच रिस्ट पे और एक कहां पर? लेफ्ट एंकल। अब आप बोलोगे, बोला नहीं सर, कुछ क्लिप्स लगाई जाती है चेस्ट के ऊपर भी। बेटा चेस्ट के ऊपर भी क्लिप लगाई जाएगी अगर हमको और भी अच्छे से ईसीजी को नोट करना है तो। अगर हमको ईसीजी स्टैंडर्ड चाहिए तो तीन लीड लगाई जाएगी, दो रिस्ट पे, एक एंकल पे, और साथ में चेस्ट पे क्या लगाई जाएगी? क्लिप्स लगाई जाएगी, ताकि हमको स्टैंडर्ड ईसीजी मिल सके। इतनी बात समझ में आई? अब ईसीजी के अंदर जो ग्राफ बन रहा है वो कैसे बन रहा है, वो चीज देखते हैं। देखो ये बना बच्चों, एक कार्डियक साइकिल के अंदर बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं? पी वेव। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यू आर एस। और इसको क्या बोलते हैं? टी। मतलब यहां पर तीन वेव देखने को मिली है, एक पी, एक क्यू आर एस और एक टी। आई बात समझ में? पिछले लेक्चर के अंदर हमने किया था ना बच्चों, कार्डियक साइकिल में क्या हो रहा था। कार्डियक साइकिल में देखो, एक तो क्या था, सबसे पहला स्टेप था एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, या फिर उसी को हम क्या बोल सकते हैं? एट्रियल सिस्टोल, या फिर उसी को क्या बोल सकते हैं? डीपोलराइजेशन ऑफ सिस्टोल, या फिर डीपोलराइजेशन ऑफ सिस्टोल नहीं, एट्रियल। एक स्टेप तो ये था बच्चों। दूसरा क्या था, जिसके अंदर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो उसको क्या बोला? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? वेंट्रिक्युलर सिस्टोल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, वैसे ही तीसरे में क्या हो रहा था बच्चों? जॉइंट डायस्टोल। क्या हो रहा था? जॉइंट डायस्टोल, क्योंकि उस टाइम पे वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा था, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब मैंने कहा बच्चों कि एक कार्डियक साइकिल का मतलब ये तीन स्टेप हैं, और साथ में ही मैं ये बोल रहा हूं कि एक कार्डियक साइकिल का मतलब ये एक ग्राफ है, एक बार पी आएगा, एक बार क्यू आर एस आएगा, और एक बार टी आएगा। जो ये ईसीजी का ग्राफ दिख रहा है, आप इसके अंदर देख पा रहे हैं कि एक कार्डियक साइकिल के अंदर तीन कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स पी कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और एक कॉम्प्लेक्स टी कॉम्प्लेक्स। वैसे ही कार्डियक साइकिल के अंदर तीन स्टेप है, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री। आई बात समझ में? ईसीजी को बिल्कुल आसान बना दूं, बन गया जी। देखो जी, पहला कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू पहला स्टेप, दूसरा कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू दूसरा स्टेप, तीसरा कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू तीसरा स्टेप, ईसीजी खत्म। कुछ भी नहीं है। जो बेटा ईसीजी का जो पहला वेव बनता है पी वेव, वो किसको डिनोट करता है? जो ईसीजी का पहला वेव बनता है पी वेव, वो किसको डिनोट करता है? पहले स्टेप को। मतलब पी वेव का मतलब क्या है कि वो दर्शा रहा है कि वहां पर एट्रियम की कॉन्ट्रेक्शन हुई है। जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है वो किसको डिनोट कर रहा है? वो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रेक्शन को डिनोट कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बताता है। और जो बच गया बच्चों क्या? टी वेव, वो किसको दिखाता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो जो आप ये ग्राफ देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो पी वेव है इज इक्वल्स टू डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, एंड टी वेव इज इक्वल टू द डीपोलराइजेशन ऑफ रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। डीपोलराइजेशन बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन को, और रीपोलराइजेशन बोलते हैं रिलैक्सेशन को। अब ईसीजी से फायदा क्या हुआ बच्चों? मान के चलो डॉक्टर ने एक मिनट के लिए ईसीजी करवाया, वैसे तो वो रेशियो से निकाल लेता है, और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर ऑफ हार्ट बीट्स का पता लगाया जा सकता है ईसीजी से। ईसीजी के इन ग्राफ्स को देख के
डॉक्टर डायग्नोज कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां डायग्नोज की जा सकती है। और साथ की साथ में बच्चों, जो आपके लेवल की बात है मैं वो आपको बता दूं, एक बार एक सोच के देखो बेटा, 1 मिनट के अंदर हम ईसीजी देख रहे हैं। अब आप आज से कभी ईसीजी देखोगे ना, तो सोच के देखना, आप इतना तो उस ईसीजी को देख के बता ही दोगे, जितनी बार ये ग्राफ बनेगा, जितनी बार ये ग्राफ रिपीटेड होगा, उसका मतलब क्या है, उतनी ही ज्यादा, उतनी ही बार कार्डियक साइकिल बनी है, और जितनी बार कार्डियक साइकिल बनी है उसका मतलब क्या है, उतनी ही उसकी हार्ट बीट है। मेनली जो काउंट किया जाता है वो QRS कॉम्प्लेक्स को किया जाता है। अब चाहे वो PQRST को कर लो काउंट, लेकिन जो स्टैंडर्ड ईसीजी का जो मेथड होता है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स निकालने का, उसमें बेटा कौन से कॉम्प्लेक्स को काउंट किया जाता है, QRS। हम ये बोल सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर जितने QRS कॉम्प्लेक्स बनेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर या फिर ईसीजी के अंदर, उसका मतलब ये है कि उस पेशेंट की नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट उतनी ही है। जैसे मेरी हार्ट बीट पर मिनट मान लो 72 आ रही है, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि मेरी ईसीजी के अंदर जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो कितनी बार बन रहा है, 72 टाइम्स। आई बात समझ में? ये था एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक जहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई दिक्कत हो, कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, कोई PYQ अटके तो। बाकी इस टॉपिक को अच्छे से कर ले, काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाला लेक्चर, पीछे वाला लेक्चर और उससे पीछे वाला लेक्चर, ये तीनों लेक्चर बच्चों अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, चाहे वो आप फिर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर आप वो स्टेट बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आपको काफी फायदा मिलेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।